हेलो 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 गाइस, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू कॉन्फ़िगर जी सूट मेल ऑन आउटलुक। ठीक है, हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड सेटअप जी मेल ऑन आउटलुक। तो ये एक काफ़ी बड़ा इशू रहता है कि आप जो हैं अपनी जीमेल जी सूट की बिजनेस ईमेल आईडीज को अपने आउटलुक में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये आज मैं ये चीज़ आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है अपने जीमेल में लॉगिन कर लेना है, जीमेल में लॉगिन कर लेना है बिजनेस ईमेल से, जिस ईमेल से आप जो है आपने अपना जी सूट अकाउंट बनाया होगा। तो मैंने अपना जी सूट अकाउंट बना रखा है deepak.behl@irudi.in और मैंने इससे जो है इसके अंदर लॉगिन कर रखा है। तो आपको अपने जीमेल के सबसे पहले जीमेल में आ जाना है। सबसे पहले हम जीमेल की सेटिंग्स एक बार देख लेते हैं कि हमको जो है जीमेल की क्या क्या सेटिंग कर लेनी है। सबसे पहले आपको जो है सेटिंग पे जाना है जीमेल की। यहाँ पे आपको सी ऑल सेटिंग्स दिखाई दे रहा होगा, सी ऑल सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। आपको फॉरवर्ड एंड आई मैप पे जाना है। यहाँ पे आपको अनेबल पॉप फॉर ऑल मेल्स के लिए आपको ये टिक कर लेना है। और जो है दूसरा पॉइंट जो है कीप मेल्स कॉपी इन द इनबॉक्स, ये आपको इसके अंदर रख लेना है। और दूसरा क्या है, आपको आई मैप एक्सेस यदि देना है तो आपको अनेबल कर लेना है, नहीं देना है तो नहीं कर लेना है। तो मेरे केस में मैं आई मैप और पॉप के थ्रू दोनों ही बताने वाला हूँ। और मैं आपको फ्यूचर की वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आई मैप और पॉप में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो भी आपको डीपली बता सकता हूँ मैं, यदि कोई भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इस चीज़ के लिए। तो कमेंट आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी पॉप के और आई मैप के दोनों के बीच में कंपैरिजन आपको मैं बता दूंगा। तो कमेंट भी आप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना है, और आपको वीडियो भी शेयर करनी है क्योंकि आपका एक वीडियो एक लाइक मिलने काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पे आपको आप पॉप और आई मैप अनेबल करके सेव चेंजेस कर लेना है। तो ये आपका पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो है अपने एडमिन पैनल, आपको जो है आपके जो इसका एडमिन पैनल है जी सूट का, उसके अंदर लॉगिन कर लेना है। तो आपको सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जिससे आपने अकाउंट बनाया होगा तो उसके ऊपर एडमिन कौंसिल के नाम से ये आपको प्रतीत दिखाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम एडमिन कौंसिल पे क्लिक करते हैं और सीधा यहीं से डायरेक्ट जो है हम अपने एडमिन कौंसिल में चले जाएंगे गूगल के। तो यहाँ से आपका वो पासवर्ड मांगेगा, आपको ना पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल लिया है और हम अपने गूगल एडमिन के कंसोल में आ गए हैं। तो यहाँ पे आप एडमिन पैनल में हम आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है हम अब एक सेटिंग हमें और करनी है। तो आपको जो है अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक सिक्योरिटी का टैब दिखाई दे रहा है, वो सिक्योरिटी पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे आके। ठीक है, सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सेस एंड डाटा कंट्रोल, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट में लेस सिक्योर ऐप, इसको आपको ऑन कर लेना है। दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपको लेस सिक्योर ऐप को, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है तो आपको इसको अलाउ कर लेना है, क्योंकि इस स्टेप के बिना आप जो है अपने पॉप थ्री की और आई मैप की जो सेटिंग्स हैं वो आउटलुक में कन्फिगर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा जो है हमारा स्टेप कम्प्लीट हो चुका है और हमने आई मैप और पॉप थ्री जो है अपनी जीमेल सेटिंग में जाके ओपन कर लिया है। तो अभी हमको एक स्टेप अभी इसके अंदर और करना है, वो आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो अभी हमको जो है लेस सिक्योर ऐप अपने में ऑन कर ली है। तो अभी आपको जीमेल में जाना है अपने, और यहाँ पे आपको साइड में दिखा हुआ मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है और इसकी सिक्योरिटी में भी जाके आपको लेस सिक्योर ऐप ऑन कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी पे जाता हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लेस सिक्योर ऐप ऑन। ठीक है, ये मेरा बाय डिफॉल्ट ऑन हो गया है मैंने, तो ये ऑन है। आपका ऑफ होगा तो यहाँ से आपको इसको टिक कर लेना है और इसको चेक कर लेना है कि ऑन है या ऑफ है। तो ये हमारा ऑन है मेरी साइड से। तो अब हम अपने आउटलुक में चलते हैं, आउटलुक में जाके अपनी जो बिजनेस मेल है इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। एक बार चेक करके देख लेते हैं, अपना आउटलुक ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपना आउटलुक ओपन कर लिया है। ओके, ये कुछ कह रहा है ओपन, कोई फाइल आ ही नहीं रही, कोई नहीं। तो अभी हमारा आउटलुक ओपन हो चुका है। अभी हमको इसके अंदर कोई हमारा कुछ है नहीं, ईमेल आईडी डाटा वाटा कुछ नहीं है, तो हम ईमेल आईडी इसके अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। आपको सिंपली फाइल पे जाना है, ऐड अकाउंट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ईमेल आईडी ऐड करनी है। मैं जल्दी से सब चीज़ें टाइप कर लेता हूँ।
तो एक्चुअली हमको जो है ये सेटिंग से होगा नहीं, तो हमें मैनुअल सेटिंग करनी होगी। आपको मैनुअल सेटिंग से करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको जो आना है पॉप और आई मैप पे जाना है, नेक्स्ट कर लेना है। ये मेरी बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसने ले ली है, तो आपको पॉप 3 के ही थ्रू जाना है। आई मैप की सेटिंग्स अब हमको यहाँ पे लेनी है, तो वो कैसे मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पर गूगल पे आपको सिंपली जाके सर्च करना है पॉप एंड आई मैप सेटिंग जीमेल। ये मैंने पहले से टाइप किया हुआ, तो आप भी डायरेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिंपली ये आपको POP3 की और आई मैप की सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो पहले स्टेप में हम आई मैप अनेबल कर लिया है ऑन का योर कंप्यूटर, फॉरवर्डिंग आई मैप ये हमारे अनेबल हो चुके हैं। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि SMTP के क्रेडेंशियल्स हमारे मिल गए हैं, तो हमको आई मैप के थ्रू और POP3 के थ्रू कर सकते हैं। तो हम जो है POP3 के थ्रू करेंगे, तो POP3 की नहीं आ रही है। POP3 के लिए आपको खाली POP ही लिखना होगा। तो अभी इसको POP3 वाली हमको चेक करनी है पीछे जाके, तो मैं POP3 की एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके वेट, आई मैप सेटिंग नहीं, POP3 सेटिंग जी में। ये रही POP3 की हमारी सेटिंग, ये आ गई है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक क्लिक आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। ऐसे ही आपको SMTP वाली भी करनी है, जिससे आप मेल सेंड करेंगे। SMTP से मेल सेंड होती है, POP से रिसीव होती है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग की दोनों पोर्ट हमने डाल दिए हैं। जिस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे ऐसे करना है, उसका ईमेल और यहाँ पे उसका पासवर्ड। यहाँ पे एक बार इसको मोर सेटिंग में जाके आपको आउटगोइंग सर्वर, माई आउट गोइंग सर्वर को यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। एडवांस पे जाके आपको जो है पोर्ट चेक कर लेने हैं। पोर्ट वहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं, 995 और 587। 995 इनकमिंग, आउट गोइंग के लिए 587, 995, और ये SSL का पोर्ट है, SSL और 587 TLS। ओके, लीव अ कॉपी, रिमूव फ्रॉम सर्वर आफ्टर 14 डेज, अनटिक कर देता हूँ। और ओके और यहाँ पे एक बार मैं इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ कि हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये देखिए हमारा इनकमिंग जो POP3 है वो सक्सेस हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब मैसेज सेंड करके देख रहा है वो कि होगा नहीं होगा। और ये देखिए दोनों चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सक्सेसफुली हमारा जो अकाउंट है वो आउटलुक में कन्फिगर और सेटअप हो चुका है। अब बेसिकली मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि ये इसकी नीड क्यों है, वो क्यों पड़ती है। इसकी नीड इसलिए पड़ती है कि जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं, बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो चाहती हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो है हमारी जो है जी सूट की मेल को एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि वहाँ से वो डिलीट भी कर सकते हैं मेल को। हम नहीं चाहते कि एम्प्लॉय हमारी मेल डिलीट करे, तो इसलिए हम उसको आउटलुक में एक्सेस देते हैं, जिससे कि आउटलुक में मेल चला तो लेगा, उसके पास मेल आ तो जाएंगी, बट वो अपने आउटलुक से डिलीट भी कर देगा, तो हमारे जी मेल के सर्वर से या जी मेल पे से हमारी वो डिलीट नहीं होंगी। तो इसलिए हम आउटलुक का एक्सेस देते हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि कोई हमारे जीमेल पे जाके ईमेल्स डिलीट ना कर पाए, कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो भी, ये सब चीज़ें ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो हमारा जीमेल का जो है सारा जीमेल की जो जी सूट की ईमेल थी वो यहाँ पे कन्फिगर हो चुकी है। तो अभी धीरे धीरे हमारी है यहाँ पे आ जाएंगी कि जो ईमेल वगैरह है वो यहाँ पे सिंक हो जाएंगी। तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ईमेल वगैरह भी कोई है नहीं, तो एक बार हम सेंड करके देख लेते हैं एक ईमेल। तो मैं अपने ईमेल जो है दूसरी ईमेल आईडी से भेजता हूँ मेल। मैं ईमेल चेक करके देख लेते हैं, कंपोज्ड। अभी हमने एक मेल भेजी है, वह चेक करके देखते हैं कि वो हमारे यहाँ पे आई नहीं आई। देखिए मेल हमारी इधर तो आ रही हैं, बट उधर अभी नहीं जा रही हैं, तो ये भी एक बार देखना पड़ेगा कि देखिए मैसेज तो आउटलुक में कन्फिगर हो चुका है कि आउटलुक का मैसेज जो है यहाँ पे आ चुका है कि आउटलुक से मैसेज जा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। तो अभी शायद मेरे आउटलुक में कुछ इशू आ रहा है, तो
बस यही सेटिंग, आप यही सेटिंग करिए, आपका चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम इससे सेंड करके देख लेते हैं कोई मेल जाती नहीं जाती, तो मैं एक मेल भेज के देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग हो रही है, मेरा मैसेज यहाँ से जा चुका है। मैं अपनी जीमेल चेक करूँगा तो यहाँ पे हमारा मेल देखिए आ चुका है मेल, ठीक है मेल आ रही है, बट अभी यहाँ पे बस आउटलुक में शो नहीं कर रही है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, काटता हूँ एक बार आउटलुक, खोलता हूँ दोबारा कि ये इशू क्या आ रहा है। हमारा जो है खुल चुका है, आउटलुक खुल गया है। यहाँ पे एक बार देख रहे हैं, प्रोसेसिंग कंप्लीट, रिसीविंग। अब देखिए अब मेल आ रही है यहाँ पे। ओके मेरा कुछ दिक्कत था साइड में, ये देखिए अब हमारी जो आउटलुक की सारी मेल्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं, आप देख ही सकते हैं। ठीक है जो मेरे अभी मेल आई थी टेस्ट मेल। तो इस तरीके से आप जो है अपना बिजनेस जीमेल को अपने आउटलुक पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू गाइस।